हैं। चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो बेटा, एक लंबे गैप के बाद हम लोग फिर से एक दूसरे से मिल पा रहे हैं, नॉट डायरेक्टली थ्रू दिस वीडियो, बट एक लंबे गैप हो गए। इसके पहले आप लोगों ने हमारा 3 वीडियो देखा होगा, ओके। और हम लोगों ने स्टार्ट किया था लेशन लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, यानी होलोजोइक कंडीशन तक की बातें हम लोगों ने कर लिया था, पैरासिटिक कंडीशन, होलोजोइक कंडीशन, ये सारी बातें जो है हम लोग की डिस्कस हो गई थी। अब इस लाइफ प्रोसेस में नेक्स्ट जो आगे का पार्ट है वो हम लोगों को न्यूट्रिशन यानी न्यूट्रिशन इन प्लांट को हम लोगों को देखना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले कि आई होप इस पैंडेमिक सिचुएशन में आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने घर पे थोड़ा सा इन सब बातों को ध्यान दीजिए, बी केयरफुल रहिए, अपना और अपने पेरेंट का भी ध्यान दीजिए, ओके। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, ये मैं सभी लोगों से ये उम्मीद करता हूँ और मैं भी अच्छा हूँ क्योंकि मैं आपको वीडियो के थ्रू आपको आँख के सामने दिख रहा हूँ, ओके। तो चलिए, हमारा जो लेसन है बेटा वह है लाइफ प्रोसेस। और जहाँ तक आपको पढ़ाया जा रहा है वहाँ तक की बातों को आपको कंपलसरी नोट्स बना लेना है। वो क्या करना है, नोट्स बना लेना है आपको। अब चलिए देखिए, तो बेटा हम लोगों का जो टॉपिक है, हम लोग आज स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट को। तो चलिए हेडिंग देंगे, अब हम लोग का लाइफ प्रोसेस जो लेशन है उसमें हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट। इसमें हमारा टॉपिक आज चलेगा न्यूट्रिशन इन प्लांट। आप सभी लोग जानते हैं कि प्लांट में, प्लांट एक ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, यानी ये अपना खाना खुद बना लेता है। ये अपने न्यूट्रिशन के लिए हमारे ऊपर डिपेंड नहीं है, बट वी आर डिपेंड ऑन द प्लांट फॉर द न्यूट्रिशन, बट प्लांट इज नॉट डिपेंड्स ऑन एनिमल्स फॉर देयर न्यूट्रिशन। सो तो ऐसा क्यों होता है, प्लांट अपने न्यूट्रिशन के लिए हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता, ऐसा क्यों होता है, ये भी बातों को हम लोग थोड़ा देखेंगे, ओके। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट में जब हम लोग जानते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि प्लांट में एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। वो ग्रीन पिगमेंट सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद वाटर एंड मिनरल्स और कार्बन डाइऑक्साइड, इन तीनों चीज़ों को लेकर के वह एक प्रोसेस करता है जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। आप सभी को पहले यह जान लेना चाहिए कि द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ इज सन। इस अर्थ पे द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ इज सन। क्यों ऐसा, देखिए मान लीजिए यह एक प्लांट है, ठीक, ओके। यहां पर बेटा ये सनलाइट है, ओके, ये सनलाइट है। अब और यहां पर एक कोई एनिमल्स हैं, कोई भी एक एनिमल को ले लीजिए, चलिए एक चूहा को ही हम बना देते हैं, ठीक। ये चूहा जो है, ये रैट अपना खाना क्या खा के लेता है, ये तो एक हर्बीवोरस एनिमल है, जब भी खाएगा तो कोई ना कोई प्लांट को खाएगा,
ठीक, तो ये अपने न्यूट्रिशन के लिए किस पे डिपेंड करता है? प्लांट पे। और प्लांट यानी इस रैट को एनर्जी किससे मिलती है? प्लांट से। और प्लांट अपना खाना कैसे बनाता है? जब उसको सनलाइट मिलता है। जिस दिन सनलाइट बंद हो गया, कोई भी प्लांट को एनर्जी नहीं मिलेगी। और प्लांट को अगर एनर्जी नहीं मिली तो प्लांट कोई भी सीड फ्रूट जो हम खाते हैं, चावल आटा गेहूं, ये सब जो भी चीज़ खाते हैं, मक्का, ये सब रोटी दाल चपाती, ये सब क्या है? प्लांट के सोर्स हैं, वो हमें नहीं मिलेंगे। अब आप सोचेंगे सर हम चिकन खा लेंगे, मिल्क खा लेंगे, तो जो आप चिकन और मिल्क लेते हैं, यानी मिल्क कहाँ से आता है? काऊ से। काऊ क्या खाएगी? कोई ना कोई प्लांट के पार्ट को ही खाएगी। तो जब प्लांट ही नहीं रहेगा तो यानी इसका मतलब कोई हर्बीवोरस नहीं रहेंगे, कोई हर्बीवोरस नहीं रहेगा तो कोई कार्निवोरस नहीं रहेगा, यानी लाइफ जो है वह कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट कर जाएगा इस अर्थ से। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर लिखा है कि द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ इज सन। पहली बात तो ये हो गई। और इस चैन को आप समझिए कि यहाँ पर ये जो इस तरह से है, तो कोई भी हर्बीवोरस, और उसके बाद अगर यहाँ देख लिए लाइन, तो यानी लाइन अपना एनर्जी कहाँ से लेगा? हर्बीवोरस। ये क्या है? कार्निवोरस है। तो कार्निवोरस हर्बीवोरस से, और हर्बीवोरस किससे? प्लांट से। और प्लांट किससे? तो ये सन से। इस तरह से बेटा साइकिल चलते रहता है। अब आइए, तो प्लांट की जब हम लोग बात कर रहे हैं कि प्लांट जो है यानी वो अपना खाना खुद बनाता है, तो क्यों? तो प्लांट के पास एक ग्रीन पिगमेंट होता है, और उस ग्रीन पिगमेंट सनलाइट के प्रेजेंस में और वाटर एंड मिनरल के प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में, प्लांट जो है, ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो यहां पर इन दी presence of sunlight, in the presence of sunlight, the green part of plant bracket में chlorophyll synthesize their own food by the utilization of H2O and CO2. Through the process of photosynthesis, और किस प्रोसेस के मदद से? तो through the process of photosynthesis, तो photosynthesis के मदद से ये प्लांट जो है सिंथेसाइज करता है किसको? तो फूड को। और क्या क्या इसमें आया बेटा? तो सनलाइट, ग्रीन पार्ट यानी कि क्लोरोफिल, CO2 एंड वाटर, ये चार पार्ट इंपॉर्टेंट हैं। अभी वो आएंगे, डिस्कशन होंगे। तो फिर हम बात करते हैं कि तो फोटो सिंथेसिस क्या है, जो कह रहे हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात कर रहे हैं, तो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है। देखो, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। तो फोटोसिंथेसिस इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, या फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस इन विच लाइट एनर्जी, दैट मीन्स सनलाइट, कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी यानी ग्लूकोज। और किसकी मदद से? तो बाय द यूजेज ऑफ, आपका बुक का डेफिनेशन है वो भी आपको लिख देता हूँ मैं, ब्रैकेट में कुछ आपको अपना तरफ से भी समझा देता हूँ। चलिए पहले ही देख लीजिए, तो द प्रोसेस बाय विच
द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड में क्या बनाता है, तो मेन रूप से ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर by using sunlight energy, in the presence of chlorophyll, in the presence of chlorophyll is called photosynthesis. और उसको क्या कहते हैं हम लोग, तो उसको फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब देखो, जैसे फोटोसिंथेसिस में CO2 यूज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो O2 रिलीज होगा। O2 रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो ये एक डेफिनेशन हुआ आपको। यहाँ पर वही चीज मैंने लिखा है, बस ये आपका बुक का डेफिनेशन हो गया। तो एकदम सिंपल वे में आप ये भी कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सनलाइट यानी लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। तो लिख देता हूं वो, इन फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। तो लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, एक ये बात हो गई। अब देखो इसमें तो होता क्या है बेटा, देखिए तो फोटोसिंथेसिस का एक रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन क्या लिखते हैं देखिए, तो इसको लिखते हैं 6CO2 प्लस 6H2O, कहीं पर 6H2 होता है, कहीं पे 12H2O होता है। अगर नए न्यू रिएक्शन के हिसाब से चलेंगे तो यहाँ पर 12H2O आपके बुक में 6H2O दिया है। खैर चलिए हम लोग 12H2O से देख लेते हैं, और 6CO2 प्लस 12H2O ये बेटा कन्वर्ट होता है C6H12O6 में, O6 में प्लस 6O2 प्लस 6H2O। अगर यहाँ पर 6H2O लेंगे तो यहाँ पर H2O नहीं दिखाएंगे, और अगर यहाँ पर 12H2O लेंगे तो 6H2O दिखाना पड़ेगा। ओके, अब प्रेजेंस में और यहाँ पर क्या आएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ
सनलाइट और क्लोरोफिल। तो क्लोरो सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कन्वर्ट होते हैं किसमें, तो ग्लूकोज में और ऑक्सीजन में। दिस इज द ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का फार्मूला है। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, प्लांट जो बुक में है वो छोड़ दीजिए, अब आइए यहाँ पर। क्या लिखा है मैंने, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, ये फूड बना। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, फार्मूला क्या है, C6H12 और O6, यानी तीन एलिमेंट है, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। और ये बनाने के लिए, यानी ये ग्लूकोज बनाने के लिए तीन एलिमेंट चाहिए, कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। और यहाँ पर इसको बनाने के लिए क्या क्या यूज किया गया, CO2 और H2O। देखो इन तीनों में क्या है, इनमें भी कार्बन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, और बचा हुआ जो ये O है वह एज ए ऑक्सीजन गैस के रूप में रिलीज हो रहा है। तो एकदम बेसिक इंफॉर्मेशन से ये आप बात को ध्यान में रख के चलो कि आखिर क्यों कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ही यूज करता है प्लांट। अब आप सोचेंगे कि सर सनलाइट की जरूरत क्यों पड़ी, तो यहाँ पर अगर आप केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जाओगे तो हमने क्या बोला कि जो वाटर है, वाटर में भी ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर यूज हो गया, तो जो वाटर का ऑक्सीजन है वो क्या होगा, तो वो रिलीज होगा ऑक्सीजन गैस के रूप में। तो ये जो है वो गैस है, ऑक्सीजन गैस। तो क्या करना पड़ता है, यहाँ पर ये वाटर के यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्डिंग है उसको तोड़ना पड़ता है, और किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। और एनर्जी के रूप में आप क्या करते हो, हीट एनर्जी क्या के लिए क्या कर दोगे, आप घर में खाना पकाते हो तो क्या करते हो, हीट एनर्जी देते हो ना, तो वो आप खाना पकाते हो, सिर्फ बनाते नहीं हो। बनाने का मतलब प्लांट बनाए, और पकाने का मतलब कि हार्ड और इनसॉल्युबलाइज फूड को सॉफ्ट एंड सॉल्युबलाइज फॉर्म में करते हैं, जैसे चावल। तो चावल को क्या किया आपने, हीट और वाटर देके सॉल्युबलाइज कर दिया। तो यहाँ पर ये चीज़ बेटा वही चीज़ है, ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी के लिए ये क्या करता है, ऐसा थोड़ा ना करते हो गार्डन में प्लांट लगाया और हीट देने के लिए उसके चारों तरफ आग लगा दिया, प्लांट बचेगा नहीं। तो वो हीट एनर्जी कहाँ से लेता है, सनलाइट से लेता है। तो लाइट को एब्जॉर्ब कौन करेगा, तो प्लांट का ग्रीन पार्ट जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। तो ये एनर्जी के लिए सनलाइट पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए CO2 और H2O, CO2 से कार्बन, ऑक्सीजन, और H2O टूट जाता है किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तब जा करके ये तीनों मिल करके बना देंगे क्या, ग्लूकोज। और ये चला जाएगा कहाँ, एटमॉस्फेयर में। इसीलिए आप कहते हो कि प्लांट रखना चाहिए, प्लांट ऑक्सीजन देता है, तो कैसे देता है, H2O को तोड़ करके हाइड्रोजन को यूज कर लेगा ग्लूकोज बनाने में, और ऑक्सीजन को वापस कर देगा इस एटमॉस्फेयर में। तो यही है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। अब जैसे आप खाना पकाते हो, तो खाना बनाते समय आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, आप मान लीजिए आपको चाय बनाना है, एकदम सिंपल वाली चाय, कोई फरमाइशी नहीं, तो मिनिमम क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, कोई एक बर्तन जिसे पॉट कह रहे हैं, उसके बाद हीट की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पर मिल्क, रॉ मटेरियल मिल्क और टी लीफ, चाय पत्ती जो चाय बनाएगा, टी लीफ और उसके बाद शुगर, ये तीन चीज़ की ज़रूरत पड़ती है मिनिमम चाय बनाने के लिए। ये तीनों चीज़ को मिक्स करते हैं किस में, एक पॉट में, और तब उसे क्या देते हैं, हीट। तो यहाँ पर ये हो गया कार्बन, ये हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया हाइड्रोजन, ठीक है, रॉ मटेरियल के रूप में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और पॉट के रूप में क्या है प्लांट का, लीफ, जो हीट को एब्जॉर्ब करता है, यानी लीफ का कौन सा पार्ट, तो क्लोरोफिल वाला पार्ट। और हीट के रूप में क्या देते हैं, तो वह हीट के रूप में सनलाइट को ले लेता है। बना लिया चाय, यानी बन गया खाना।
तो इसीलिए तो लाइट को कौन एब्जॉर्ब करेगा, कोई तो एक पार्ट होगा ना जो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। जैसे आप चाय बनाते हो तो नीचे से गैस जलाते हो तो वो पॉट जो होता है जिसमें चाय बनती है वो क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो उसी तरह प्लांट का जो ग्रीन पार्ट है वो सनलाइट के पार्ट, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, उससे उसको हीट एनर्जी मिलती है, यानी उसमें एनर्जी है। वैसे भी लाइट में स्मॉल पार्ट एनर्जी के पैकेट होते हैं जिसे फोटोन कहते हैं। तो लाइट कैरी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, ये सब फिजिक्स में आएगा। तो पूरा केमिस्ट्री, पूरा फिजिक्स और बायोलॉजी एक साथ नहीं, बस इतनी बातों को पहले समझ लिए। तो यही है फोटोसिंथेसिस, जिसमें लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है केमिकल एनर्जी में। अब ये इतनी सारी बातों को समझ गए तो आइए, तो ये प्लांट काम करता है कैसे, इसका एक डायग्राम देता हूं मैं। चलो देखो, अब आप जानते हो ये प्लांट है, प्लांट कहाँ लगा है, तो सॉयल में। सॉयल में क्या है, तो सॉयल में रूट है प्लांट का, ओके। और ये रूट पार्ट है प्लांट का। अब ये जो पार्ट है सॉयल है, ये सॉयल के पार्टिकल हैं। आप सॉइल में, गार्डन में क्या करते हो, सिर्फ पानी देने का काम करते हो। प्लांट क्या करता है बेटा, कि यहाँ से H2O को एब्जॉर्ब करता है, यानी सॉइल में जो H2O हैं, ये H2O यहाँ से होते हुए और ये H2O पहुँचते हैं यहाँ, ये आ गया, ये क्या है भाई, H2O है, ठीक। अब देखिए, और यहाँ पर ये जो है वह सनलाइट है, यानी सन का लाइट आ रहा है। ओके, और ये सनलाइट इसके ऊपर आ रहा है, क्योंकि ये प्लांट जो है वह ग्रीन लीफ है, तो ग्रीन पार्ट ही लाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो यहां से सनलाइट से इसको लाइट मिल रहा है। ये लाइट आ गया इसके ऊपर, लाइट आने के बाद में यहां से वाटर चला गया, सनलाइट आ गया। हम कैसे बोले थे कि चाय बनाने के लिए एक पॉट चाहिए जो हीट को लेता है, तो ये लीफ क्या हुआ, एक पॉट की तरह काम कर रहा है। अब आओ बेटा, यहां पर एटमोस्फेयर है, एटमोस्फेयर में क्या है, तो एटमॉस्फेयर में CO2 है, और प्लांट के लीफ में क्या होता है, स्टोमाटा होता है। तो यहाँ से ये क्या लेके आ गया, ये CO2 को भी लेके आ गया। अब सारा चीज़ मिल गया, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तीनों चीज़ मिल गया इसको। अब जब तीनों चीज़ मिला है तो इन तीनों चीज़ों की मदद से ये क्या बना देगा, C6H12O6। अब ये जो ग्लूकोज बना, ये ग्लूकोज की सप्लाई इसको सभी जगह करनी है, ये ग्लूकोज सभी जगह जाना है, प्लांट के हर एक पार्ट को इसकी जरूरत होगी। अब यहां पर ग्लूकोज बना, अब अगर ग्लूकोज की क्वांटिटी ज्यादा है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा स्टार्च के रूप में और स्टोर हो जाएगा। अगर तुरंत यूज करना है तो इसको ब्रेक डाउन करके एनर्जी ले लेगा। तो प्लांट के जिस पार्ट को इस ग्लूकोज की जरूरत होगी, यह ग्लूकोज को सप्लाई कर देगा रूट तक, क्योंकि खाना यहाँ बना है लेकिन जरूरत यहाँ भी है। जैसे आप खाना खाते हो, माउथ से जाता है स्टमक में, लेकिन उस फूड की एनर्जी आपके बॉडी के हर एक सेल को मिलती है, कैसे, तो थ्रू द ब्लड। तो उसी तरह यहाँ पर यह बना और फ्लोएम के थ्रू प्लांट के हर एक पार्ट में यह पहुँच गया। तो ये जो चीज़ है ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज अगर एक्स्ट्रा है तो ये स्टोर हो जाएगा, यानी कि स्टार्च के रूप में।
या तो स्टार्च के रूप में स्टोर होगा, नहीं तो ये सुक्रोज के रूप में ये ट्रैवल कर जाएगा। अब चलो यही चीज को, तो कहते हैं द प्रोसेस ऑफ The process of photosynthesis takes place in the process of photosynthesis takes place in green leaves of a plant, अब देखिए तो CO2 taken by plant leaves from air, एयर या एटमोसफेयर भी बोल सकते हैं। दिस कार्बन डाइऑक्साइड इंटर द लीफ थ्रू टीनी पोर इन देम कॉल्ड विच इज इंटर इन लीफ थ्रू एस्टोमाटा। तो प्लांट में CO2 कैसे गया? एस्टोमाटा, एस्टोमाटा एक स्ट्रक्चर होता है, एक पोर होता है जो एंट्री के लिए मदद करता है। जब एस्टोमाटा ओपन होगा तो ये गैस लीफ के अंदर इंटर कर जाएगा। वाटर इज टेकन फ्रॉम सॉइल। तो वाटर को कहाँ से लेते हैं? तो वाटर को सॉइल से लेते हैं। इट इज, और वाटर ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? तो इट इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम रूट टू लीफ थ्रू जाइलम। तो जाइलम के थ्रू ये लीफ से, रूट से लीफ तक पहुंचता है। अब एंड सनलाइट इज रिक्वायर्ड फॉर required for chemical reaction. Sunlight is required for chemical reaction involved in preparation of food. Okay. Green pigment called chlorophyll present in green leaves.
ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एंड फाइनली ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस एज बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस एज बाय प्रोडक्ट तो ऑक्सीजन जो है वो बाय प्रोडक्ट के रूप में प्रोड्यूस होता है ओके अब आइए अब देखो ये सारी बातें तो हो गई अब आपको कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं जो ग्लूकोज एक्स्ट्रा बना है वो क्या होगा तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है वो चेंज हो जाता है अनदर फूड में क्योंकि ये स्टार्च में एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज चेंज इनटू इज चेंज इनटू अनदर फूड Another food called starch. This starch is stored in the leaves of plant. This starch is stored in the leaves of plant store in the leaves of plant the green plant convert ये मैंने आपको पहले लिखा दिया है next point कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज क्या है तो ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है बेटा कार्बोहाइड्रेट यानी फूड प्रिपेयर्ड बाय फोटोसिंथेसिस प्रिपेयर्ड बाय फोटोसिंथेसिस प्रोवाइड ऑल द एनर्जी प्रोवाइड All the energy to a plant which it need to grow यानी कार्बोहाइड्रेट जो है ग्रोथ करने के लिए जितने भी एनर्जी की जरूरत होती है वो सारा प्रोवाइड करता है अभी तो आप लोग 9th 10th या स्टैंडर्ड में सिर्फ ये पढ़ते हैं एक्चुअली में प्रोटीन जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है अब देखिए तो कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस में 3 steps इम्पोर्टेंट हैं फोटोसिंथेसिस takes place in the following 3 steps the following 3 steps first mein absorption of sunlight energy by
क्लोरोफिल। तो सबसे पहले सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा कौन? क्लोरोफिल। सेकेंड प्रोसेस क्या होगा भाई? अब लाइट एनर्जी कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू एंड ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन तो तोड़ देता है। अभी समझाया मैंने आपको, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाई हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज बाय यूटिलाइजिंग द केमिकल एनर्जी अब ये तीन स्टेप्स जो हैं यहाँ पर दिख रहे हैं तीनों स्टेप्स को, तो देखो जो लास्ट का स्टेप्स है दोनों स्टेप पढ़ चुके हो। CO कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड में रिडक्शन का मतलब जब किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन आके जुटता है, ठीक है, तो उसको रिडक्शन, तो कहीं पे हाइड्रोजन का जुटना या ऑक्सीजन का निकलना तो डैट इज द रिडक्शन। तो CO2 में आके हाइड्रोजन जुट गया तो इसीलिए तो होता है क्या, और ये काम यानी CO2 प्लस H2O तो क्या बनता है, तो CHO प्लस O2। अब यहां पर तो ये CHO या CH2O का N कर देते हैं हम लोग, ये काम 6 times होगा, 6 times, तो इसलिए क्या हो जाता है C6H12O6, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, तो ये 6 times चलेगा तो इसीलिए हो जाता है C6H12O6 और प्लस 6O2, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है तो 12, तो इसलिए 6 यहाँ पर यूज हुआ, 6 यहाँ से निकल जाता है बाकी बचा हुआ। तो ये काम इस तरह से चलता है, तो रिडक्शन का मतलब ये काम हुआ। अब आइए कहते हैं कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो कौन कौन से कंडीशन होने चाहिए, तो पहला फर्स्ट इज द सनलाइट, सेकेंड वन इज द क्लोरोफिल, थर्ड वन इज द कार्बन डाइऑक्साइड एंड फोर्थ वन इज द H2O। इन चारों में से किसी भी
एक अगर एब्सेंट हो गए तो यू कैन थिंक दैट फोटोसिंथेसिस विल बी स्टॉप. तो फोटोसिंथेसिस कैन नॉट बी प्रोसीड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एनी वन ऑफ दीज कंडीशन. तो इन चार में से कोई भी एक अगर एब्सेंट हुआ तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकते हैं बेटा. ओके अब चलिए, तो यहाँ तक आपको ये चारों कंडीशन को ध्यान में रखना है और इन्हीं चारों कंडीशन के मदद से यानी फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो प्रोसीड होता है. अगर इन चार में से कोई भी एक एब्सेंट हुआ तो नहीं हो सकता है. और इसी चीज़ को आपके टेक्स्ट बुक में एक्सपेरिमेंट भी दिखा रखा है कि सनलाइट एक्सपेरिमेंट सब आपको पढ़ना है खुद से कि कैसे सनलाइट के एब्सेंट होने से फोटो यानी कार्बोहाइड्रेट नहीं बना यानी ग्लूकोज नहीं बना है, आयोडीन का सॉल्यूशन यूज किया है. उसी तरह से सेकंड में देखना कि एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में दिखाया है कि कैसे क्लोरोफिल के एब्सेंट होने से फोटोसिंथेसिस नहीं होता है. और थर्ड एक्सपेरिमेंट है आपको और थर्ड एक्सपेरिमेंट कि कार्बन डाइऑक्साइड के एब्सेंट होने से फोटोसिंथेसिस नहीं होगा. तो बिना क्लोरोफिल का, बिना सनलाइट का, बिना CO2 का फोटोसिंथेसिस नहीं होगा. वाटर के बिना भी नहीं हो सकता है, लेकिन ये तीनों को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया हुआ. तो वो एक्सपेरिमेंट आप अपने से पढ़ लेंगे, ध्यान से अच्छे से कर लेंगे, उसके आगे की बातों को फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको अब आगे कंटिन्यू करेंगे. ओके थैंक यू.